मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका कुक एंड लर्न में। मैं हूं आपका शेफ अमित वशिष्ठ और आप मेरे साथ देख रहे हैं एक खास पेशकश जिसका नाम है चिकन करीज ऑफ इंडिया। सो चिकन करीज ऑफ इंडिया की तलाश में आज हम पहुंच गए हैं हमारे स्टेट गुजरात में। और आप में से जो लोग समझते हैं कि गुजराती खाना सिर्फ स्वीट होता है, उनके लिए एक सरप्राइज है। आज जो हम चिकन करी बनाने जा रहे हैं, ये बिल्कुल भी स्वीट नहीं है और ये है एक बहुत ही फ्लेवरफुल और स्पाइसी चिकन करी। और मैंने ये डिश बनानी सीखी एक खत्री मुस्लिम कम्युनिटी से और इस डिश का नाम है सूरती खत्री तपेलू। अब ये तीन वर्ड हैं जिनका मतलब है सूरती मतलब सूरत, खत्री मतलब खत्री समाज और तपेलू मतलब ये बर्तन जिसके अंदर ये डिश बनेगी। वैसे ज्यादा करके ये डिश बनती है मटन से, पर आज मैं यूज कर रहा हूँ चिकन और इसके लिए मैंने लिया है एक अच्छा बड़ा चिकन जो कि 1 किलो का है और काफी फैटी है। इस चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे नमक और मिर्ची से और इसे करीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि ये बड़ा चिकन है सो कम से कम 1 घंटा जरूरी है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। जस्ट मेक श्योर कि नमक और मिर्च अच्छे से चिकन में चला जाए। हमारी इंडियन क्यूजीन हमें हर जगह सरप्राइज करती है और इस डिश की खास बात है ये फ्रेश हल्दी जो इसमें यूज होगी। इस डिश के लिए बनाना पड़ेगा हमें एक पेस्ट जिसमें लगेगी हल्दी, गार्लिक जो मैंने पील कर कर रखा है, इसमें हम डालेंगे अदरक और साथ में 10 मिर्च। आप देख लें आपकी मिर्च कितनी तेज या कम तीखी है। इसमें हम डालेंगे कुछ पानी और इसका बना लेंगे एक पेस्ट। इस डिश के लिए चाहिए हमें 2 तरह की प्याज, जिसमें से 1 बड़ी प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया है और ये 3 बड़ी प्याज हैं जिनको मैं सिर्फ ऐसे बड़ा बड़ा कट कर रहा हूँ। अक्सर इसका साइज थोड़ा बड़ा रखा जाता है, बट क्योंकि मैं चिकन पका रहा हूँ सो हमें प्याज को गलने के लिए भी समय देना है, इसीलिए थोड़ी छोटी। अब 1 घंटा करीबन बीत गया है, हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है। अब हम करते हैं अपनी गैस को ऑन और इसमें डालेंगे 100 ग्राम ऑयल। तो तेल जब तक हमारा गर्म हो रहा है हम ये पेस्ट बना लेते हैं। अब हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले इस देगची में, 2-3 सिनेमन की स्टिक्स, 3 इलायची, 2 मोटी इलायची, 1 स्टार एनीस, 3 से 4 लौंग, साथ में डालेंगे कुछ तेज पत्ते भी। इसमें डालेंगे एक छोटा पीस नटमेग का। मसाले हमारे चटक गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे शाही जीरा और जल्दी से डाल देंगे अपने प्याज भी। अब गैस को तेज रखते हुए हम इन अनियंस को सॉटे कर लेंगे और इस अनियन में डालेंगे थोड़ा नमक जिससे ये थोड़ी जल्दी गल जाए। दोस्तों मुझे हमेशा नमक को अलग अलग स्टेज में डालना अच्छा लगता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप शुरू में और आखिरी में भी डाल सकते हैं। इस प्याज को हमें अच्छे तरीके से ब्राउन होने देना है क्योंकि इसी प्याज की वजह से हमारी ग्रेवी का बेस बनेगा। अगर ये प्याज ठीक से पका नहीं तो ये गलेगा नहीं और डिश में ग्रेवी बनेगी नहीं। दोस्तों सूरत फेमस है अपने टेक्सटाइल बिजनेस के लिए और सूरत का मोस्टली टेक्सटाइल बिजनेस ये खत्री कम्युनिटी ही चलाती है। जिन फैमिली से मैं मिला या जिन कम्युनिटी से मैं मिला उनकी 7 पुश्तें करीबन इस काम में लगी हुई हैं और वो बहुत ही प्राउड हैं इस बारे में। अभी प्याज हमारा हल्का ब्राउन होने लगा है, अभी हमें रुकना नहीं है और इस प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन करना है। इस ग्रेवी के अंदर कोई टमेटोज या फिर दही यूज नहीं होता, इसकी पूरी ग्रेवी ये अनियंस के गलने से ही बनेगी। इस समय हम इसमें डालेंगे अपना चिकन। चिकन को भूनना बहुत जरूरी है, इस समय हमारे पैन का टेम्परेचर हो गया है कम। चिकन हमारा 5 मिनट से भून रहा है और ये थोड़ा ब्राउन हो गया है। इस समय मैं इसमें डाल रहा हूं थोड़ा सा पानी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी। इस चिकन को हम इससे ज्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि हमें बाद में अपनी डाइस अनियन को भी पकाना है। इस समय हम इसमें डालेंगे अपना जिंजर गार्लिक चिली और हल्दी का पेस्ट। इस पेस्ट को हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और थोड़ा गर्म पानी हिला के इसमें डाल लेंगे। अब हम आंच को एक बार फिर से तेज करेंगे और इस पेस्ट को पका लेंगे। इस पेस्ट में हम डालेंगे फिर से थोड़ा सा नमक और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। आपको इनको अच्छी तरीके से 5 मिनट तक पकाना है जिससे इनका सारा रॉ फ्लेवर निकल जाए। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर पाउडर
और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर। आपको ध्यान रखना है कि आपकी ग्रेवी बहुत स्पाइसी ना हो, आप इसमें काफ़ी मिर्ची पहले से ही डाल चुके हैं। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। ऑयल हमारा ऊपर आ गया है, इसका मतलब हमारे सारे मसाले पक गए हैं। अब इस ग्रेवी का सबसे बेस्ट पार्ट, इस समय हम गैस को कर देंगे ऑफ। अब ये जो प्याज के डाइसेस हमने काटे हुए हैं, इन्हें हम इस चिकन के ऊपर अरेंज कर लेंगे। अब इस पतीले में डालेंगे हम गर्म पानी, और बस इतना पानी डालेंगे कि हमारा चिकन हल्का सा कवर हो जाए। इस पतीले पर रख देते हैं कढ़ाई। अब मैं ऑन करूंगा अपना सबसे छोटे वाला बर्नर, और इस चिकन को आराम से मैं 30 मिनट तक इस पे ही पकने दूंगा। सो 30 से 35 मिनट हमारे बीत गए हैं, हमारा चिकन अच्छे तरीके से सिमर हो रहा है, इसे जरा चेक कर लेते हैं। इनफैक्ट इसमें थोड़ा ज्यादा पानी है अभी, हम इस ग्रेवी को अभी 5 या 7 मिनट तक ढक्कन खोलकर थोड़ी देर और सिमर होने देते हैं। अब हमारा चिकन 5-7 मिनट और पक गया है, हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो गई है। अब एक आखिरी काम, इसमें हम लगाएंगे एक तड़का, वो भी गरम मसाला और सिनेमन पाउडर का, जिसकी वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क आएगा। मैंने ले लिया है घी, करीबन 4 चम्मच। हमें घी को गरम नहीं करना है, हल्का वार्म रखना है, और इसी बीच में हम इसमें डालेंगे सिनेमन पाउडर और गरम मसाला। इसे हम जल्दी से मिक्स करेंगे और इसे डाल देंगे इस ग्रेवी में। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इस ग्रेवी को थोड़ा चला लेंगे। इस ग्रेवी को आप 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे, जिससे कि इसका सारा तेल ऊपर आ जाए, और फिर आप चपाती या रुमाली रोटी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको मेरे साथ ये चिकन करीज ऑफ इंडिया का सफर अच्छा लग रहा होगा। हर करी एक से बढ़कर एक है, सब में अलग स्वाद है, सबको बनाने का अलग तरीका है। सो आप देखते रहिए कुक एंड लर्न, और हम जल्दी से मिलेंगे एक नए स्टेट में। टेक केयर।